हेलो यू गाइस, वेलकम बैक माय चैनल अंजलि कश्यप ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ अपनी बहन के घर पे कोसली देने, क्योंकि जाना था मम्मी और मेरे को, मगर मम्मी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि अंजलि घर पे अकेली पड़ जाएगी, क्योंकि अब अंजलि की देखभाल के लिए कोई ना कोई घर पे होना चाहिए। तो फिलहाल मम्मी नहीं जा रही, और इसलिए मम्मी कह रही तू होके आ जा क्योंकि तेरी छुट्टी भी वैसी आज। तो मैं चलो ठीक है मम्मी, अब मम्मी जा रही कोसली का सामान कलेक्ट करने सारा। वैसे थोड़ा बहुत बस एक सिर्फ फल फ्रूट रह गए, बाकी सारा सामान आ चुका है, घेवर मट्ठी वगैरह वगैरह जो चीज़ ले जाते हैं। एंड अभी दिखाता हूँ भाई आप इसे। मम्मी वैसे क्या क्या भेजा आपने, सूट वगैरह किस किसके? एक उसकी सासू का है, हाँ, दूसरे का मन कर देता। अच्छा, तौलिया दरिया को ले, तौलिया। अरे हाँ, ये भाई एक तौलिया भी है। अच्छा 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 ठीक है। और वो जो मिठाई वगैरह में क्या है? घेवर और मट्ठी और फल फ्रूट। तो मैंने खोल ही नहीं, गाठ होके खामा का, मैंने खोल देता अजीब तरीके से। मैं चलो पहले मम्मी खोलेगी अपने आप आगे गाट। ये मट्ठी के कितने कितने लाए तुम्हें? वो ले आते ना भी मिट्टी मट्ठी है। अच्छा चलिए, वो भी ठीक है। तो भाई मीठी मट्टी वैसे घर में वहाँ पे कोई खाता नहीं उनके, तो इसलिए कह के मंगाए जो नमकीन मट्टी हो तो ले आना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं इतना। मैं चलो ठीक है, घेवर मट्टी और फ्रूट वगैरह और ये बाकी सूट साट जो भी होते हैं वो चीज ले जाऊंगा। एंड अभी नहा भी नहाया धोया तो हूँ नहीं यार अभी, क्योंकि तुम्हारा भाई थोड़ी देर पहले ही सो सो आके उठा था। तो आज कुछ वैसे मेरा प्रोग्राम नहीं था ऐसे जाने का, तो सडनली एकदम से मम्मी ने बोला कि चलो मैं बेटा मैं तो चलते हैं सीधा कोसली ले रहे हैं, क्योंकि मम्मी का भी मन था कि बच्चों से मिल के आने का, अपने नाती और नातन से मिल के आने का। मगर अच्छा कहना क्या हुआ कि घर पे कोई है नहीं और हमारी मोहतरमा को थोड़ा सा देखभाल की जरूरत है ना जी। देखो सर माँ गए क्या, हाँ हाँ घबरा गए क्या, तो इसलिए थोड़ा बोल भी नहीं रही है। तो भाई इसलिए मम्मी रुक रही है, मैं जा रहा हूँ। एंड ये लगा लो भाई, रास्ता आपका लगा लो, जाम ना मिले तो मिनिमम 25 मिनट का रास्ता है, अगर जाम मिल गया तो आप लगा लो एक घंटा लग जाएगा मुझे, क्योंकि यहाँ से नजफगढ़ जाने में आपको पता ही है कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। उत्तम नगर टर्मिनल पे जो जाम मिलेगा, उसके बाद नवादा चौक पे, उसके बाद तो फ्री फ्री है बिल्कुल ही। तो भाई ये देखो भाई घेवर दिखा है मम्मी। अच्छा ये विदाउट क्रीम का घेवर है, सूखा घेवर है मैंने भी। चलो ठीक है, टेस्ट करिए मैं मजाक कर रहा हूँ मम्मी। भाई ये देखो ये मट्ठी लाई है मम्मी, और ये घेवर आपको देख ही लिया आपने, बाकी सूट वगैरह बांध दिए हैं। एंड तो फिर आप फाइनल लेवल नहीं जाना आपको, तो आप तो भाई मम्मी ने तो बिल्कुल टाल कर दी है। और जाओ कौन, किसने किसने पकड़, लोगों को टेंशन ना ले। बस मैं भी नहा, अभी दो चार डब्बे गिरे नहाने के, बस हो गया था रेडी में, तो मुझे क्या दिक्कत है। वैसे तो हमारा भाई दिन में तीन चार बार नहा ही लेता है, वैसे अभी दो चार डब्बे गिरे थे, बस क्लीन हो जाओ बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल टोटल। तो भाई अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और बज रहे हैं दिन टाइम तो हो रहा होगा मेरे ख्याल से 12 का टाइम हो रहा होगा। तो अभी बस अभी अगर मम्मी कुछ खाने बनाए, अरे हाँ सो मावस भी थी भाई, प्रसाद मत खाइयो क्यों हाँ? लंगर हो रहा है तो कारण क्या ना खाने का? अच्छा अच्छा अच्छा, जितना धर्म पुण्य करेगा सारा। भाई ये मम्मी ने एक सही गाइडलाइंस दी कि भाई अगर कोई प्रसाद बांटे तो अभी आज नहीं खाना। कहाँ वहाँ पे कहाँ खेड़े पे फिर? तो वहाँ भी नहीं खाना ठीक है, जंगा जंगा हो रहा है। अरे वो तो चलो ठीक है, मगर आपने मना कर दिया, मैं आपसे बढ़कर थोड़ी चलूंगा। मैं ले आओ और क्या, खा पी लूंगा मैं आराम से। भाई देखो मम्मी ने आज खीर बनाई भाई, तो देख फिलहाल तो हो गई पूरी बनाई है। और वो क्या छोले वगैरह कुछ नहीं? ये भाई जबरदस्त लग रही है खीर।
वो मम्मी तो मुझे बिल्कुल ही गैर कर रही, भाई ये पूरियां बनाई है, खीर आपने देख ही ली है और ले आओ, हमें उधर ले आओ, ठीक है। अपना पेट पूजा करके इस तरह निकलते आराम से, फिर पेट तो भाई अब सीधा निकलना ही है, और किसी फ्रेंड वगैरह को लेके अपना साथ में सीधा सूटम सूट जाऊंगा, क्योंकि सामान पीछे पकड़ लेगा भाई, क्योंकि बैग पकड़ के ले जाना है तो मैं रख नहीं पाऊंगा, पीछे बंदा पकड़ लेगा एक, ठीक है भाई, ओके। तो भाई बहन के घर आ चुके हैं कोसली लेके, और साथ में मेरा दोस्त आया हुआ है रोज, और ये खड़ी अपनी बाइक, एंड ये सामने मेरी बहन की नंद का लड़का जा रहा है बाइक बैठ के, एंड ये रहा घर। तो फिलहाल भांजी अरे चित्रा इधर, ठीक हो जी, ठीक है, कोई बात ना जी, चित्रा इधर, ठीक है। तो अभी चलते हैं घर के अंदर, प्रवेश करते हैं, ये मौसा जी खड़े हुए हैं, और भाई ये रहा घर, घर के अंदर देखते हैं कौन। अरे 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 छिंगी मिंगी, अरे क्या कर रहा है रमटू बाबू, क्या कर रहा भैया, क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, अच्छा आ जाते यू कर ले गुल्ला इधर, उसमें चला वॉशमेशन नहीं रहा, आ जा जाए बोरा वॉशमेशन, बोरा 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 वॉशमेशन। और सुमन कैसे हो, अरे अरे नमस्ते करो, अरे है जय कर दिए, और जी ठीक हो, थक गया क्या, और अब आ रहा है, और भाई हम आ गए घर पे, घर पे काफी रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, फिर लाल ओरे 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 आजा 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 आजा, अरे रंग तो भाई ये देखो सबके सब बैठे हुए हैं, और ओ फिरोज दूसरी बार आया, तो पहली बार आया, दूसरी बार आया, दूसरी बार एक बार चित्रा के होने पर आया था, क्या हुआ, अरे अरे कहाँ भाग रहा है, क्या कर रहा है, अरे 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 ये मस्ती ये आ गई हमारी भांजी चित्रा, चित्रा क्या हुआ, खेलने का मन कर रहा है, क्या हो गया ना, और तू जाएगा, तू लेके आएगा, तू लेके आएगा लंगर, छोटे छोटे बच्चे, अच्छी तरह इधर तो अच्छा खेले जा रही हो अभी, अच्छा मम मम मम, हाँ अच्छा, हाँ मुसरा, अरे वहां ले चल ले पहले मौसम बाबा दे दे, भाग लिया भाग लिया भाग लिया, अरे भाई हमारा घर का छोटा सा रमटू है, रमटो है क्या, अरे रमटू ची, अरे 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 लाओ वहां नहीं पिला देते, कौन प्रीत अभी बैठ गया है कती, अरे 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 चीची लाओ तो ले खा ले, अरे 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 ये देखो सारा सामान उखाड़ फुखाड़ करेगा, क्या मंगाओ है,
चल ठीक है। अंगा 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 यो के अंगा अंगा सारा कोई बात ना चल ऐसा कुछ ना ठीक है ऐसा 30 पर सबके लिए हो होता ठीक है। ये ले आम खाएगा बाबू आम खा ले ले इसमें ये थैली में। अच्छा मम मम आरव बता आरव कौन है मामा दूसरे मामा मामा जाकर जाकर हाँ ओ अरे कहाँ जा रहा कहाँ तो गया तुम कहीं गए थे गए थे कहीं तुम मगर खेड़ खेड़े पे गए हो गए मेरा अच्छा मैं तो बस ऐसे चलो मैं कहा यही गया यो तो उसने मारा कर रहे हैं जो पैसा बच रहा है इसका अच्छा इस मारे मगर पैसा जो बचा कम से कम रहे थे 2,80,000 रुपए मिल रहे थे और के अच्छा अब जो बचे थोड़े बहुत और मिला कर पढ़ने में कर रहे हैं सही है फिर अच्छी बात है ना सामान भी तो बच का आ रहा था चलो ना सही है और के मगर वो भी खराब जाएगा मकाई वो भी बढ़िया ना ना बढ़िया है इसलिए हम मंगा रहे हो कि उधर मंगा ला दे जाकर चित्रा को भेजे तूने और यो खिलवाड़ के लिए क्या बैठते हैं इतना सारा यो प्रीत खा रहा था यार अच्छा तो वो भी शामिल हो रहा था इसमें खाने में भाई भाई ये मेरी सिस्टर का घर है और ये सामने देख ही रहे हो ये मेरी बहन बैठी और आज भाई हम जस्ट आपको बता दिया था मैं कोथली लेके निकला था और मैं आया हूँ कांगनेड़ी गाँव में ये छावला के पास नज़दीक लगता है एंड इसके अलावा इस गांव की सबसे स्पेशलिटी ये है कि भाई ये गांव में इतना ना दिल्ली में आता है और ना दिल्ली के बाहर जाता है पर ऊपर रहा है भाई एक तरह से यहाँ पे हरियाली भी है और दूसरा बात ये गांव में खूबसूरती बहुत अच्छी रही और एक तरह से लगा लो पोश एरिया लगता है बिल्कुल प्रॉपर अच्छा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यार आज मैं अकेला आ नहीं बढ़िया मैं कि अपने दोस्त के साथ ले आया मैं कंपनी देने के लिए क्योंकि यार पीछे बाइक बैठा हुआ था चल खींच के चलते हैं और फिर अभी चाय पानी पी के अपना निकलते हैं घर की तरफ और अपना क्यों क्योंकि मन सा भी निकल रहा मैं यार यार चलो भाई घर पे भी वाइफ मम्मी ये सब अकेले ही है ओए होए अरे ये हमारे रमटू के ड्रामे देखो देते 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 आ आ आ आ आ आ आ आ अच्छा अरे 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 ये लड़का है टुक 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 वो गिर जाएगा भाई ये बच्चा दे लो भाई वो पेट में दर्द है रहने यहाँ से आते आते करीबन ये लोकेशन लगी हमें कितना करीब लगा हुआ किलोमीटर 20 किलोमीटर तो होगा फिर 20 किलोमीटर समथिंग पड़ता है भाई हमारे घर से ओ बाइक चला के यार बिल्कुल थक गया खैर जाम तो नहीं मिला गर्मी हल्की हल्की थी बाकी हवा भी चल रही थी रिलैक्स बोलो रिलैक्स मेरे लिए का है अरे वाह रमटू तो रमटू हो रहा आजकल हो गया भाई ये तो अभी नहीं ये देखो ये देखो भाई ये देखो कितना शैतान है यार
अबे गिर जाएगा। तो भाई अब चलते हैं यार, काफी देर हो गई मैं आए हुए और खाना जो खा लिया यार, थोड़ा सा अजीब से लग रहा, पेट फुल हो गया, गर्मी में कोल्ड वगैरह खा ली एंड पेप्सी वगैरह पी पा के ना बड़ा सा मजा आ गया। अब चलने का टाइम हो गया तो सुमन सुमन चलता हूँ, ठीक है ना, पर खा ले, खा पी लिया सब, कोई पेट वेट भर गया। और के बात हमारी चित्रा के नाराज है हमारे से, नाराज क्यों है ये बताओ, कौन है तेरी पतंग? अच्छा तो पतंग के लिए नाराज है, तो मेरे मामा से क्यों नाराज है तू? अरे कन्ने जमाए होंगे, पैसे मिले होंगे, उसकी पतंग खा लाई। चल ठीक है चित्रा बाय, इधर इधर देख तो ले चित्रा, चित्रा तो कितनी नखरेली हो रही है आजकल तो, जाओ चित्रा हैं, चलेगी चला बैग बांध दे, चल पहले जान से ना, कहे माने की तो ना, 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 ना माने तो ले जाऊंगा, चल चल मानेगा मानेगा कोई बात ना, चलो चल चित्रा बाय, तो बोल दे जब सब कुछ हमने दे रखा है तो पर प्रसाद खाने में भी हमने किया, कोई बात है चित्रा फिर बाय तो बोल दे, इधर देख के तो बोल। आइयो मेरी बहन जी है, बड़ी समझ लो इस मामले में बड़ी स्टिक है, बड़ी गुस्सेल है एक तरह से भाई, जिद पे अड़गी तो अड़गी समझ लो एक तरह से यूं बिल्कुल। चल है बाय, ठीक है चला फिर हेलमेट, अरे हेलमेट खा ले फिर, खा ले हेलमेट ले ले, और यो बैग तो चल, तू तेन बैग तेन रखना है, अरे ना मैं हम तो वैसे आए थे, बैग रखना तेने, बैग रख ले तू, बैग रख ले बाद में ले जाऊंगी, ठीक है चलो फिर, चलो भाई चल प्रीत चलते, ठीक है बाय चित्रा और सब बढ़िया। चलो जी चाबी भाई अपनी बसंती सामने खड़ी है और चलने का टाइम हो गया, ठीक है जी सर बाय चित्रा बाय रमटू बाय, तो कर दे आ गया मेरा बाबू आ गया, ये रही बाइक तेरी, अरे अरे इंक्वायरी कर रहा पूरी पूरी बाइक की, क्या सुसु करने आ गया? ओए आराम से, ओ देख के पकड़ी इसने, पकड़ दो उतरा वो, यहां तो ट्रक का भी ना बेरा कोई भरोसा है, चलो इधर चलो 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 भागो 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 भागो, नंगू दे बो रखे, ये इसके डैडी ने बो रखे जीजा के, ये बेल वगैरह है मैं कल तोरी वगैरह की शायद, और टमाटर वगैरह बहुत बो रखे थे इसके अंदर, तो इतने टमाटर बोए थे, बस पूछ मत अंधाधुंध, ये गोबर गैस से पहले अंग्रेज जाते रहते थे यहाँ पे पता तुमको, वो प्रसाद ला रहा ना, दो मिनट आगे कर लियो, यहाँ बीड़ी पीवा तू क्या प्रसाद ला रहा है? अरे वही आलू पूरी वगैरह, ये क्या हुआ टकरा गई क्या गाड़ी, बोल ला
ओ भाई साहब लगता गाड़ी आपस में टकरा गई भाई लग रहा है। चलो खैर ज्यादा नुकसान तो नहीं हो शायद। हाँ वही है ठीक है। ना ना अंदर अंदर मत जा हुक्का के इसमें सांप बहुत है। हाँ काली मध्य कमीन ना ना वो आ ही रहे बस चलते फिर अपना फूकता जियो दबा के। तू जैसे बीड़ी मीना में बीड़ी पिला दू बीड़ा पिला दू तो है हाँ आ गया डिक्की में आएगा तो उसमें हेलमेट पकड़ लियो लो चले ठीक है सुमन। तो भाई तुम्हारा भाई घर पे आ चुका है बिल्कुल जस्ट अभी घुसा है यार बिल्कुल घर में घुस के कूलर के आगे थोड़ी हवा ले रहा है क्योंकि यार बाहर इतनी गर्मी हो गई थी बाइक भगाता वाला है पूरे मुंह पे डस्ट जम रही है यार बिल्कुल ही। अभी मैं आ गया यार पहले रेस्ट कर लूँ उसके बाद यार नहाना धोना करूँगा और बस जैसे बेड में बैठा था अब जाके रिलैक्स लग रहा है गर्मी और सीधे चिपचिपापन इतना हो गया बहुत ज़्यादा और अरे बहुत ज़्यादा मम्मी जी और ये अंजलि जी बैठे हुए आराम से मम्मी लेटी हुई हैं तो रम टू आपको याद कर रहा था मम्मी ठीक है और अंजलि तेना चित्रा याद कर रही थी। ओके भाई एक बात बता ली मुझसे दो दिन से नाराज है पता नहीं किस बात पे क्यों है क्या वजह है मुझे खुद नहीं पता एंड बाय द वे पता नहीं किस बात को लेके हमारे बीच चल रही है अनबन तो मैंने सोचा चलो सुना इस बात को शेयर किया जाए आपसे और कुछ कमेंट में जरूर बताना प्लीज़ कि ये अनबन कैसे दूर होगी। मुंह बनाना सीखना हो तो इनसे सीख लो जाओ पीछे। तो भाई ब्लॉग का करते हैं एंड और आप सभी से लेते हैं विदा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना ठीक है और बस आज के लिए इतने भाई मिलते हैं कल के ब्लॉग में ठीक है बाय।